सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो गाइस, आज मेरे पास है दो बिग साइज आरसी ट्रक। दो गाइस, एक साइड है हमारी फ्राइट एक्सप्रेस कंटेनर ट्रक और एक साइड है एक न्यू आरसी ट्रक जिसको मैंने हाल ही में खरीदा है। हम करेंगे इनको अनबॉक्सिंग और करेंगे इनके बीच में फाइट, देखेंगे कौन है ज्यादा पावरफुल। तो चले गाइस, फटाफट से इन दोनों को अनबॉक्सिंग करते और लगाते हैं इनके बीच में फाइट। तो चलो मैं फटाफट से इसको नीचे रख देता हूँ। गाइस, सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस आरसी ट्रक का। पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया है, कितना छोटा सा पैकेट में इसको दिया हुआ है। चलो गाइस, फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। देखो गाइस, इसका नाम है वाइल्ड ट्रक। इसको मैंने अमेजोन से खरीदा और इसका प्राइस मुझे पड़ा है सिर्फ 1000 रुपीज। आप चाहो तो आप भी इसको खरीद सकते हैं, इसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक्स नहीं किया तो फटाफट से लाइक्स कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ हमें 2.4 GHz के कुछ इस तरीके का एक स्टाइलिश रिमोट कंट्रोलर देखने को मिलता है। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर रिमोट कंट्रोलर की क्वालिटी कितना बढ़िया लग रहा है यार, देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ पर लिखा भी है 2.4 GHz। तो ये रहा इसका स्टीयरिंग और यहाँ पर हमें एक ऑन ऑफ का स्विच भी देखने को मिलता है और ये रहा फॉरवर्ड और बैकवर्ड का स्विच। और गाइस देखो, यहाँ पर है इसका बैटरी का कंपार्टमेंट, यहाँ पर हमें दो डबल सेल डालना होगा। फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हमारी आरसी ट्रक को। ये रहा हमारा आरसी ट्रक जो दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। आप देख सकते हो गाइस, इसके ऊपर में काफी सारा टैटू किया गया है। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर वाइल्ड राइडर्स बोल के भी लिखा है। इसका व्हील जो है गाइस, हमें ऑरेंज कलर का व्हील्स यहाँ पर देखने को मिलता है जो दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें ट्रक के अंदर दो बड़े बड़े साइलेंसर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ट्रक का लुकिंग कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है यार। तो गाइस, यहाँ पर ट्रक के नीचे साइड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इसका बैटरी का कंपार्टमेंट और ऑन ऑफ का स्विच, और इसके साथ हमें एक 4.8 वोल्ट एक इस तरह का बैटरी और ये रहा इसका चार्जिंग केबल। तो चलो गाइस, फटाफट से इसको रखते हैं साइड में और अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हमारी बिग साइज आरसी फ्राइट एक्सप्रेस कंटेनर ट्रक को। इसको मैंने कुछ दिन पहले अमेजोन से ही खरीदा था, इसका प्राइस मुझे पड़ा था 2500 रुपीज। तो चलो गाइस, अभी इसको फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अब देख सकते हो गाइस, इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर हमें कंटेनर देखने को मिलते हैं बट गाइस, इसके अंदर हमें कोई भी कंटेनर नहीं देखने को मिलते। इसको आपको अलग से खरीदना होगा अगर आप चाहते हो तो। तो चलो अभी इसको फटाफट से रखते हैं साइड में। देखो गाइस, ये रहा हमारा फ्राइट एक्सप्रेस कंटेनर ट्रक। इसका साइज देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा है और इसका डिटेल्स वीडियो मैंने पहले से ही बना के रखा है, आप चाहो तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। तो चलो अभी इसको रखते हैं साइड में। इसके साथ हमें 27 MHz फ्रीक्वेंसी का कुछ इस तरीके का एक रिमोट कंट्रोलर देखने को मिलता है। तो दिखने में कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। चलो इसको भी रखते हैं साइड में। और इस ट्रक के अंदर भी हमें इस तरीके का एक चार्जिंग केबल देखने को मिलते हैं। और गाइस, इसके साथ आता है 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी। गाइस, ये था हमारा दोनों ट्रक। तो चलो गाइस, अभी चलते हैं बाहर और कराते हैं इन दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं इन दोनों में से कौन है ज्यादा पावरफुल। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर और कराते हैं इनके बीच में रेस टग ऑफ वॉर फाइट। गाइस, अभी हम आ चुके हैं बाहर और अभी हम करेंगे ये दो पावरफुल आरसी ट्रक के बीच में रेस। तो चलिए रेस को स्टार्ट करते। तो जैसे हमने रेस को स्टार्ट किया, यहाँ पर हमारा वाइल्ड राइडर आरसी ट्रक कितना स्पीड से आगे भाग रही है, यहाँ पर फ्राइट एक्सप्रेस कॉन्टेक्ट ट्रक काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया। यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल निकला है हमारा वाइल्ड राइडर आरसी ट्रक, यहाँ पर ये रेस को जीत चुका है। उसके बाद हमने एक स्केटबोर्ड लिया और इस फ्राइट एक्सप्रेस आरसी कॉन्टेक्ट ट्रक के साथ बांध दिया और जैसे हमने इसको खींच कर देखा तो इसको लेकर ही नहीं जा पा रहा था। तो गाइस, बहुत कोशिश करने के बाद भी इस स्केटबोर्ड को थोड़ा सा ही हिला पाया, तो गाइस इसको लेके नहीं जा पा रहा। उसके बाद हम इस स्केटबोर्ड को फिर से वाइल्ड राइडर आरसी ट्रक के साथ बांध दिया। जैसे हमने इसका थॉटल दिया, इसने तो इसको बड़ी आसानी से खींच कर लेकर गया। आप देख सकते हो गाइस, कितना स्पीड से इसको लेकर जा रहे। मुझे तो यार इस ट्रक का स्पीड काफी ज्यादा लगा और इसका पावर भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। आप देख सकते हो गाइस, कितना ज्यादा पावरफुल है ये आरसी ट्रक। उसके बाद हमने एक एक करके दोनों ही ट्रक की रेंज कंट्रोलर को टेस्ट किया और जैसे हमने वाइल्ड राइडर्स आरसी ट्रक को चलाया, देखो इसका रेंज हमें कितना ज्यादा देखने को मिले। लगभग गाइस, मैंने इसको 10 मीटर के ऊपर चलाया फिर भी कितना अच्छी तरीके से कंट्रोल हो रहा था। इसका स्टीयरिंग तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करते और बहुत हाई स्पीड है इसके अंदर। और जैसे हमने फ्राइट एक्सप्रेस कॉन्टेनर ट्रक को चलाया, इसका रेंज हमें उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता। बाकी गाइस, इसके अंदर भी हमें ब्रेक और कंट्रोलर अच्छा देखने को मिल जाती है। और उसके बाद हमने दोनों ही ट्रक को आमने सामने रखा और दोनों के बीच में पुश बैक फाइट करने के लिए सोचा। और जैसे ही हमने पुश बैक फाइट को स्टार्ट किया, वाइल्ड राइडर्स आरसी ट्रक तो इस फ्राइट एक्सप्रेस को धक्का देकर पीछे धकेल दिया। उसके बाद हमने इसकी कंटेनर ट्रक को खोल के इसको अलग कर दिया ताकि इसका वेट थोड़ा हल्का हो जाए। और जैसे हमने इसको फिर से लगाया टक्कर, देखो गाइस, अभी तो ये फ्राइट एक्सप्रेस कंटेनर ट्रक को वाइल्ड राइडर्स ट्रक को बहुत ही जोर से धक्का मारा बट इसको पीछे नहीं लेके जा पा रहा, क्योंकि गाइस यहाँ पर इसका भी पावर उतना ज्यादा नहीं है कि इसको पीछे लेके जाए। बट गाइस, यहाँ पर हमने वाइल्ड राइडर्स आरसी ट्रक ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से ठीक से ग्रिप भी नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद हमने दोनों को एक साथ बांध के दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर करने के लिए, जैसे हमने दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर लगाया यार, देखो यहाँ पर दोनों ही ट्रक जो
काफी ज्यादा कोशिश कर रही है एक दूसरे को हराने की। पर आप प्राइड एक्सप्रेस कॉन्टिनेंटल को देख सकते हो गाइस, कितना ज्यादा पावरफुल है ये कॉन्टिनेंटल, इसने थोड़ा बहुत वर्ल्ड राइडर्स को पीछे खींच दिया। तो गाइस आपको ये दो ट्रक में से कौन सा ट्रक अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप खरीदना चाहते तो कौन सा ट्रक को खरीदोगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।